आज के इस वीडियो में हम कुछ एंकर्स के डिबेट्स या शोज देखेंगे कि उन्होंने पिछले हफ्ते में अपने डिबेट्स में किन मुद्दों को तवज्जो दी। सबसे पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के ब्लॉक चुनावों का वीडियो देख रहे हैं। दूसरा, चेहरा थोड़ा बदला, चाल चरित्र कितना बदलेगी सरकार। तीसरा, ताजिंदगी विभाजन की लकीर को पाटते रहे दिलीप कुमार। चौथा, भीमा कोरेगांव केस में इंसाफ या बदला। पांचवा, आदिवासियों के लिए काम करने वाले फादर स्टैन स्वामी का निधन। रवीश अक्सर जरूरी मुद्दों पर अपने शो प्राइम टाइम के जरिए बात करते रहते हैं। इस हफ्ते रवीश कुमार ने महंगाई की मार से ईएमआई ना भर पाने का मुद्दा उठाया और इसके बारे में जानकारी भी दी। जब आप देखते हैं कि यूपी में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा है, हिंसा के वीडियो यहाँ वहाँ से आए जा रहे हैं, खबरें छप रही हैं कि किसी को घर से उठाकर ले जाया गया, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग इस तनाव से भी जूझ रहे हैं कि ईएमआई कैसे चुकाएं। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र आया है कि ईएमआई ना चुकाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ताजा आंकड़ों के अनुसार जून के महीने में 8,78,00,000 डेबिट होने थे, लेकिन 3,20,00,000 से अधिक खातों से पैसा डेबिट नहीं हो सका, बाउंस कर दिया गया। कुल डेबिट खातों का यह 36.51% होता है। यह अंदाजा देता है कि मिडिल क्लास कितना तनाव में है, लेकिन तभी आप यूपी से आ रही रिपोर्ट देखने लग जाते हैं तो कुछ समझ नहीं आता कि देश की असली समस्या है क्या। अब बात करते हैं News24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आम आदमी का घर कैसे चलेगा भैया। दूसरा, मंत्रिमंडल का बदलाव, थम नहीं रहा पेट्रोल डीजल का भाव। तीसरा, मंत्रिमंडल बदला, हालात बदलेंगे। चौथा, मंदी महंगाई बेरोजगारी से लड़ने की मोदी की तैयारी। पांचवा, फार्मर्स प्रोटेस्ट को समर्थन पर विपक्ष में दरार। संदीप अक्सर अपनी डिबेट में जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। इस बार भी उन्होंने अपनी डिबेट में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर बात की और सरकार के नेताओं से सवाल भी किए। तो जब केंद्र सरकार फिस्कल स्टिमुलस भी केंद्र सरकार खर्च करे, सरकार हेल्थ सेक्टर में भी खूब खर्च करे, वैक्सीनेशन भी केंद्र सरकार प्रोवाइड करे, तो फिर और सेंटर की बहुत सारी स्कीम्स में डायरेक्ट केंद्र सरकार स्कीम्स का खर्चा करती है, फिर प्रदेशों क्या को इतने रिसोर्सेज में से कम क्यों नहीं करते, यह जवाब क्यों नहीं चरण सिंह? जिम्मेदारी राज्यों की है। और मैं चाहूंगा कि मैं चरण सिंह सापरा से पूछूंगा, सेंट्रल विस्टा पर भी बहुत खर्च हो रहा है, खर्च तो बहुत हो रहे हैं, बहुत जगह हो रहे हैं, खर्चा हो रहा है। नहीं, वो बात ठीक है, तो फिर ये धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बदला? फिर बदलने की जरूरत नहीं थी। धर्मेंद्र प्रधान यही तो कह रहे थे कि आमदनी कम है खर्च ज्यादा है, तो बदलने क्या जरूरत थी? फिर तो वो ठीक कर रहे थे काम। नई टीम को अगर 12 लोगों को नए लोगों को लाना है धर्म, तो फिर आपको कुछ तो बदलाव करने पड़ेंगे ना। नहीं, उनको शिक्षा मंत्री बना दिया ना, उनको पेट्रोलियम मंत्री बनाए रखते, मतलब पेट्रोल के दाम घटने ही नहीं है, तो ये बदलाव के मायने क्या? अब बात गोदी मीडिया के एंकरों की करते हैं और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं News18 के पत्रकार अमीश देवगन की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद और बीजेपी के संबित पात्रा में हुई सीधी टक्कर। दूसरा, पीएम मोदी की नई कैबिनेट पर छिड़ा आर पार, टीम मोदी की इनसाइड स्टोरी। तीसरा, पीएम मोदी की ड्रीम टीम ने ली मंत्री पद की शपथ, मोदी कैबिनेट में सबका साथ। चौथा, नई कैबिनेट की हो रही तैयारी, कांग्रेस पर कला भारी। पांचवा, डीएनए पर भागवत ज्ञान, क्या चुनावी मौसम का असर है मोहन भागवत का बयान। अमीश देवगन ने अपनी ज्यादा डिबेट्स मोदी सरकार की नई कैबिनेट को लेकर की और एक डिबेट में वे कांग्रेस पर भी सवाल उठाते दिखाई दिए। एक तरफ मोदी सरकार की नई कैबिनेट की तैयारी है मिशन 2022 के लिए, चौतरफा मोर्चा बंदी हो रही है, संगठन से लेकर गठबंधन के साथियों तक सबको साधने की बड़ी कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में अंदरूनी कला पर भी एक्शन है। कैप्टन वर्सेस सिद्धू की जंग सारी हद पार कर चुकी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में सोनिया गांधी के दरबार में पहुंचे हैं, यानी मिलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिद्धू पंजाब में अपनी सरकार को बड़ा आईना दिखा रहे हैं। राजस्थान में सचिन पायलट की नाराजगी की खबर है और मामला सुलझाने के लिए अजय माकन जयपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन इसी बीच हरियाणा में कांग्रेस के भीतर बड़ी जंग छिड़ गई है। कुमारी शैलजा जो कि अभी हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्हें हटाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा दलबल के साथ दिल्ली कूच कर चुके हैं, यानी जहां सरकार है वहां भी झगड़ा, जहां सरकार नहीं है वहां भी झगड़ा। अब बात करते हैं रिपब्लिक भारत के पत्रकार ऐश्वर्या कपूर की
और जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा करनी जरूरी समझा। पहला, योगी से हारे मोदी से कैसे जीतेंगे। दूसरा, मोदी के मुकाबले चेहरा कौन। तीसरा, नई सेना तैयार, 2024 में करेगी बेड़ा पार। चौथा, मोदी की ड्रीम टीम के जरिए मिशन 2024 की ओर बीजेपी। पांचवा, डीएनए एक, सियासी रंग अनेक। ऐश्वर्या ने अपनी डिबेट में महंगाई पर तो बात नहीं की, पर वे अपने डिबेट में उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर योगी की तारीफ करते जरूर नजर आए। जो अभी ये लोकल बॉडी इलेक्शन हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को 85% सीटें मिली हैं। इससे पहले जब हुआ था जिला स्तर पर तो 83%। अगर अभी भी अखिलेश यादव जो कहते हैं कि वो सबसे प्रबल दावेदार हैं योगी आदित्यनाथ को हराने में, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ये नंबर देखें वो, क्योंकि जरूरी है दर्शकों। आज उत्तर प्रदेश में यह बात साफ है कि योगी आदित्यनाथ वर्सेस ऑल है, यानी योगी आदित्यनाथ एक तरफ और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, बहन जी मायावती, कांग्रेस के प्रियंका गांधी, राहुल गांधी अगर आप उन्हें मानते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आ गए हैं, तो योगी वर्सेस ऑल है उत्तर प्रदेश में। और शुरुआत इसलिए कर रहा हूं इससे क्योंकि अभी कुछ देर पहले जैसे मैंने आपको बताया 85% बीजेपी के पास है। आपने खुद ही देखा कि कौन किस तरह के मुद्दों को आपके लिए जरूरी समझता है। अब आगे आपको तय करना है कि आपको जानकारी देने वाला मीडिया देखना है या चाटुकारिता करने वाला। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।